वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग हिबिस्कस प्लांट्स यानी कि गुड़हल के पौधे के सीजनल केयर टिप्स के बारे में बात करेंगे। ये टिप्स आपके घर के गुड़हल के पौधों को बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट ब्लूम्स देने में मददगार होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिबिस्कस पैम्परिंग। सबसे पहले स्टेज तैयार करना बहुत जरूरी है। स्टेज से मेरा मतलब है सॉइल। इन्हीं सॉइल के ऊपर तो आपके खूबसूरत फूल उगेंगे ना। तो काफी ध्यान से आप पहले सॉइल को टिल कीजिए, मतलब गुड़ाई कीजिए। ये करते समय आप ध्यान रखिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनके रूट्स को डैमेज करें। तो हल्के हाथ से टिलिंग कीजिए। इस चीज का ध्यान रखिए कि सॉइल अच्छे से मिक्स हो जाए और सॉइल के अंदर ढेर सारी एयर पॉकेट्स भी क्रिएट हो जाए, तो रूट्स ब्रीथ करेंगे और बहुत ज्यादा हेल्दी होंगी और किसी भी टाइप का बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा आपके रूट्स में। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा स्ट्रेटेजिक हार्ट प्रूनिंग सेशन। हार्ट प्रूनिंग नई ग्रोथ लाने के लिए बहुत जरूरी होती है। मैं अपने ढेर सारे वीडियोस में ऑलरेडी आपसे प्रूनिंग के बारे में कई बार बातें कर चुकी हूँ, लेकिन एक बार और मैं आपको बता देती हूँ कि प्रूनिंग करते समय बिल्कुल साफ सुथरे प्रूनिंग शेयर्स का ही इस्तेमाल कीजिए। कट हमेशा नोट के जस्ट ऊपर लगाइए, क्योंकि नोट वो पॉइंट होता है जहाँ से एक नई ब्रांच निकलती है। अगर आपने उस नोट को ही कट करके निकाल दिया तो नई ब्रांचिंग कहाँ से होगी, तो इसलिए नोट के बिल्कुल ऊपर से आपको एक कट लगाना है। ऐसा करके आप पुरानी ग्रोथ को बाय बाय बोल देंगे और अपने गार्डन में फ्रेश एनर्जी को इनवाइट करेंगे, जिसके चलते बहुत जल्द आप न्यू ग्रीन लीव्स को विटनेस करेंगे। अब ये तो हो गया आउटसाइड केयर, लेकिन इनसाइड केयर भी तो बहुत जरूरी है ना। तो इसीलिए हम मिट्टी में मिलाएंगे न्यूट्रिएंट पैक्ड कंकॉक्शन, जिसमें मैंने सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट को यूज किया है। ये मिट्टी में देगा ऑर्गेनिक गुडनेस। लेकिन हाँ, वर्मी कंपोस्ट अच्छे से डीकंपोस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके अंदर डीकंपोजिशन अच्छे से नहीं हुई ना, तो उसकी वजह से मिट्टी में कीड़े होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल फ्रेश वर्मी कंपोस्ट नहीं यूज करना है, अच्छे से सड़ा हुआ वर्मी कंपोस्ट को ही यूज करना है। और उसके बाद पहुंचते हैं नीम केक पे। भाई, नीम के बारे में तो हम सभी जानते हैं, इसको ढेर सारे फेस वॉशेस में भी यूज किया जाता है, बिकॉज इट इज एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल इन नेचर। तो ये आपके पौधे के पास भी किसी पेस्ट को भटकने नहीं देगा। अब देंगे हम इसे थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम, और जिन जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है उनको पता होगा कि क्लोरोफिल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट मैग्नीशियम होता है। तो ये एप्सम सॉल्ट ढेर सारी क्लोरोफिल बनाएगा, और क्लोरोफिल की वजह से जो नई लीव्स आएंगी वो बिल्कुल हरी भरी होंगी और अच्छे से अपने अंदर खाना बना पाएंगी फोटोसिंथेसिस की वजह से। ज्यादा साइंस हो गई, कोई बात नहीं, वापस सिंपल चीजों पे आ जाते हैं। सिंपल यानी कि पानी देना, लेकिन क्या एक्चुअल में इतना सिंपल होता है पानी देना? ये भी एक आर्ट है। जी हाँ, ज्यादा पानी दे दिया तो भी पौधा मर जाएगा, कम पानी दे दिया तो भी पौधा मर जाएगा। तो बिल्कुल एडिक्वेट अमाउंट में ही पानी देना है, जिसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है वन फिंगर टेस्ट। अब ये वन फिंगर टेस्ट क्या है? मिट्टी के अंदर अपनी एक उंगली डालिए, अगर उसके ऊपर गीली मिट्टी चिपक रही है मतलब अभी पानी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बिल्कुल मिट्टी सूख चुकी है नीचे तक, तो यही टाइम है दोस्तों, फटाफट से पानी दे दीजिए। प्लांट को मॉइस्चर चाहिए, लेकिन सॉगी सॉइल उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सॉगी सॉइल मतलब रूट रॉट, तो इसलिए ध्यान से पानी दीजिए। बस हो गया हमारा सीजनल केयर कंप्लीट। इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सिंपल था, जो हर कोई यूज कर सकता है, क्योंकि लाइफ में हर चीज कॉम्प्लिकेटेड होना जरूरी नहीं होता। कभी कभार सिंपल चीजों में भी मजा आता है। तो जैसे जैसे सनसेट हो रहा है, हम भी अपने गार्डन में इस नेचर का मजा लेते हैं। और मेरे प्यारे गार्डनर्स, आप इस चीज का ध्यान रखिए कि गार्डनिंग पेशेंस और लव से की जाती है। तो आप इन सारे सीजनल केयर टिप्स को यूज कीजिए और अपने हिबिस्कस प्लांट्स को ढेर सारे पेशेंस और लव के साथ फ्लरिश करते हुए देखिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी गार्डनिंग। और हाँ, एक और बात, मैंने प्लांट्स के ऊपर और भी ढेर सारे वीडियोस बनाई हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक गार्डनिंग हो या फिर ब्यूटीफुल फ्लावर्स की प्लांट केयर वीडियोस ही क्यों ना हो। सब कुछ आपको मेरे चैनल बरखास हैप्पी प्लेस में मिल जाएगा। तो जाइए उन सारी वीडियोस को देखिए और मुझे हमेशा की तरह ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।